9 ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, मिडी ड्रेसेस, मैक्सी ड्रेसेस अंडर ₹650 फ्रॉम फ्लिपकार्ट. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है. मैं हूँ जानवी और मैं लेके आती हूँ नए नए हॉल वीडियोज़. और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था फॉर अ ड्रेसेस हॉल अंडर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस रेंज. आप लोग रिक्वेस्ट करें और मैं ना लाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? कई बार मैं लेट हो जाती हूँ लेकिन लेके मैं ज़रूर आती हूँ. सो आई हैव बॉट ड्रेसेस हॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट. वेरी वेरी अफोर्डेबल. ऑल ऑफ देम आर अंडर ₹650. तो फ्लिपकार्ट पे ना अभी चल रही है बिग बिलियन डे सेल, जो उनकी काफ़ी बड़ी सेल होती है. काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए मैंने फ्लिपकार्ट को एज अ प्लेटफॉर्म चूज़ किया. मैंने तो ये चीज़ें विदाउट सेल मंगाई थी ताकि मैं ये सेल तक वीडियो डाल सकूं. पर आप लोग अगर इसको सेल में मंगाओगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. आपको इस हॉल में से जो भी पसंद आए, नीचे लिंक्स रहेंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द कॉमेंट सेक्शन. आप वहाँ से जाके चीज़ें परचेस कर लेना. 9 ड्रेसेस मैंने मंगाई हैं. मैंने तो 10 मंगाई थी लेकिन एक नहीं आई. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट ऑल ऑफ दीज ड्रेसेस वर डिलीवर्ड इन जस्ट 1 डे. मतलब मैंने ऑर्डर किया और मुझे अगले ही दिन सारा सामान रिसीव हो गया. तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, नेक्स्ट वाली 2-3 दिन बाद आएगी. माई फेवरेट पार्ट, अनबॉक्सिंग. So guys, these are all the dresses and without waiting any longer, let's get started. So starting with this blue dress. Guys, iska fabric is very very nice. This is from the brand called IU. Blue dress hai with this small small white flower detailing. Iska squared neckline hai. This is a midi length dress aur isme yahan se cut aa raha hai, aap dekh sakte ho. I feel ye summer ke liye bahut hi zyada achhi rahegi because it's so lightweight and it feels so comfortable. So yes, let's go and try it on. Dekhte hain kaisi lagti hai. Guys, ye dress itni zyada pretty lag rahi hai. इसकी नेकलाइन इज़ सो ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. बात करूँ इसके फैब्रिक की, इट्स वेरी स्मूथ एंड कम्फर्टेबल फैब्रिक. वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर वेकेशंस वगैरह के टाइम पे या फिर एनी कैजुअल समरी ड्रेस इफ़ यू वॉन्ट टू टेक. आई ऑल्सो रियली लाइक इसका जो स्लिट पैटर्न है, ना ही वो ज़्यादा हाई है ना ही वो लो है और काफ़ी अच्छी लेंथ की ड्रेस है. एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट. आई रियली रियली लाइक दिट. और स्क्वायर नेक्स जो है ना, मुझे कम पसंद आते हैं बट दिस वन इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. गाइज, आई ऑर्डर इट फॉर ₹359 इन द साइज एस. द मटीरियल इज क्रेप और अभी तो ये 320 की दिखा रहा है. एज आई एम सेइंग, सेल में आपको और सारा डिस्काउंट में पड़ेगा. सो गो गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन. आई रियली रियली लाइक दिट फॉर ₹350. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस एंड वेरी वेरी नाइस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज दिस पिंक ड्रेस फ्रॉम टोक्यो टॉकीज. आई रियली रियली लाइक इसका कलर, इट्स सच अ ब्यूटिफुल पिंक. और ये जो फैब्रिक का ये टेक्स्चर है ना, जिस टाइप का ये लुक आ रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया. तो साइज इश्यू तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें. यहाँ पे इन्होंने बेल्ट भी दी हुई है. एंड जस्ट लुक एट द स्कर्ट पार्ट, इट्स सो ब्यूटिफुल. दिस इज अ काइंड ऑफ ड्रेस जो आप पार्टीज वगैरह में पहन के जा सकते हो. आई थिंक ये नी लेंथ से हल्का सा ऊपर आएगा. एंड बिकॉज ऑफ इट्स कलर, इट्स गिविंग मी वेरी मच यू नो बारबी एंड बर्थडे वाइब. मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. एंड येस, लेट्स गो एंड ट्राई दिस वन आउट. आई होप ये पहनने में भी बहुत अच्छी लगे क्योंकि देख के तो मुझे भी बहुत पसंद आई है. दिस इज़ गोना बी वन ऑफ माई फेवरेट्स. गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ड्रेस इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है. आप इस ड्रेस की फिटिंग देखो, कितनी ज़्यादा सुंदर है. दिस इज़ अ परफेक्ट बर्थडे ड्रेस. अगर आप भी अपने बर्थडे में गर्ली फील करना पसंद करते हो और पिंक पहनना पसंद करते हो, जस्ट वेयर दिस ड्रेस. इट्स सो प्रिटी एंड सो ब्यूटिफुल. क्योंकि इसका मटेरियल इज गिविंग काइंड ऑफ लाइक अ क्रश लुक, इसकी फिटिंग तो अच्छी ही आएगी. इन्होंने जो ये पतली सी स्ट्रिंग दी है टू टाई अप, आप इसको रिप्लेस करके कुछ गोल्डन चेन वगैरह यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. आई फील दिस इज अ वेरी वेरी गुड ड्रेस. मुझे इसका कलर पसंद आया, मुझे इसकी लेंथ भी पसंद आई. मुझे लगा था ये नी से थोड़ी ऊपर होगी बट ये तो नी लेंथ की है, तो काफी लोग इसको वेयर कर सकते हैं. एंड आई जस्ट फील दैट जस्ट गो फॉर दिस वन. दिस इज ओनली फॉर ₹350 फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज. आई ऑर्डर्ड इट इन द साइज एस एंड द मटेरियल इज कॉटन ब्लेंड. और मैं क्या ही बोलूँ, जस्ट love this. Now let's move on to the next one. So ये है हमारी third dress. इसकी comparatively तो अच्छी नहीं लग रही है, बाकी आप देख सकते हो ये नीचे फ्रिल वाली ड्रेस है तो अच्छा खासा घेर है इसका. फैब्रिक इज जॉर्जेट.
यहाँ से आप नेकलाइन देख सकते हो किस टाइप की है, पीछे से बटन दिया हुआ है, फ्रिल्स वाली स्लीव्स हैं एंड यस व्हाइट कलर में ड्रेस है। कलर तो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है और इसमें इन्होंने बेल्ट भी दी हुई है, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस मटेरियल। इसके कंपैरेटिवली मुझे अभी वाली दो ज्यादा पसंद आई, बट यस लेट्स गो एंड ट्राई दिस वन आउट। गाइस मैं ड्रेस पहन के आ गई, आप देख सकते हो, और अब आप मुझे बताओ कि आपको ये कैसी लग रही है। पहनने में तो बहुत सुंदर लग रही है, पर थोड़ी थोड़ी ना बच्चों जैसी लग रही है। आई डोंट नो, आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस स्टाइल। नीचे से थोड़ा बलूनिश वाला फील आ रहा है, बाकी ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छे से फिट हुई है। इन्होंने जो बेल्ट दी थी ना, इट्स वेरी वेरी नीडेड, क्योंकि चेन वगैरह नहीं है तो नीचे से फिटिंग हल्की सी लूज है ताकि आप इसको पहन सको, तो बेल्ट की वजह से ही वेस्ट का लुक अच्छा आ रहा है। द मटेरियल इज गुड, इट्स नॉट बैड। नीचे इन्होंने अस्तर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफी सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, बट स्टिल इट्स जस्ट नॉट माई स्टाइल। बाकी अगर आप ये देखना चाहो तो आप ले सकते हो। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मेट्रोनॉट फॉर द प्राइस ₹429। आई ऑर्डर्ड इट इन द साइज एस एंड यस। Now let's move on to the next one. फट गया, इसका ग्लू इज सो स्ट्रॉन्ग कि ये पूरा ही फट गया। दिस इज अ डेनिम ड्रेस। मुझे एक डेनिम टाइप वाली ड्रेस लेनी थी काफी टाइम से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मंगा के देख ही लूं। आप देख सकते हो ये डेनिम की शर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे बेल्ट दी हुई है तो वेस्ट से लुक अच्छा आएगा। लेंथ इस वाले जैसी होगी, हल्की सी नी से नीचे। आप इसकी स्लीव्स देख सकते हो। इस टाइप की ड्रेस ना आप ऑफिस वगैरह में भी वेयर कर सकते हो। पर्सनली मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि डेनिम का जो फैब्रिक है वो काफी खड़ा खड़ा ना आए, और वो नहीं आया है। सॉफ्ट वाला फैब्रिक है लाइक क्लॉथ। एंड यस लेट्स गो एंड ट्राई ऑन। आई होप दिस वन ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। गाइज ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, मैंने जैसा सोचा था ना उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। आई एम डेफिनेटली गोना कीप दिस वन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस हॉल से इतनी सारी ड्रेसेस पसंद आएंगी, बट ये ड्रेस एक ऐसी ड्रेस है जिसको आप ड्रेस अप और ड्रेस डाउन कर सकते हो। मटीरियल इज वेरी सॉफ्ट डेनिम, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल गर्मी नहीं कर रहा है। आई रियली लाइक एवरी थिंग अबाउट दिस। इसके जो बटन्स हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हल्का सा जो नीचे से कट आ रहा है वो भी काफी डिसेंट है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। इसकी लेंथ एंड एवरी थिंग इज जस्ट वेरी वेरी परफेक्ट। दिस फ्रॉम द ब्रांड कॉल जेनेसिया फॉर द प्राइस ₹620 इन द साइज एस एंड इट्स टोटली वर्थ इट। दूसरी ड्रेसेस के कंपेरेटिवली आपको शायद थोड़ी महंगी लगे, बट डेनिम्स वाली ड्रेसेस आप और ज्यादा सस्ते में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने मंगाया था साइज एस में एंड यस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो ये है हमारी नेक्स्ट ड्रेस। दिस इज अ मैक्सी लेंथ ड्रेस, कट स्लीव्स है अगेन, इन्होंने बेल्ट भी दी हुई है। एंड ये ना इस टाइप की ड्रेस है जिसमें रफल डिटेलिंग है, जिसकी वजह से ना घेर इतना ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, और मुझे ये लुक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसके पूरे फैब्रिक में एक टेक्सचर है आप देख सकते हो, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और बिल्कुल भी चीप फील नहीं कर रही है। इसका जो जॉर्जेट या शिफॉन जो भी यूज हुआ है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का है। आई पर्सनली थिंक दिस इज गोना लुक वेरी वेरी गुड एंड यस लेट्स गो एंड ट्राई आउट। गाइस दिस ड्रेस इज सो कम्फर्टेबल एंड सो प्रिटी। मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा, लेकिन जिन्होंने लाइनिंग में कपड़ा लगाया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सॉफ्ट मटेरियल है, और पूरी ही लेंथ तक इन्होंने कपड़ा दिया है, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी बार क्या करते हैं, नी या थाइस तक का दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला लुक आता है, वो भी कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मैक्सी ड्रेस उसकी लेंथ की वजह से मंगा रहे हो तो फिर वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। दिस वन इज़ नॉट लाइक दैट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और इसकी जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अ फिट एंड फ्लेयर वाला लुक, तो अगर ये ऊपर से ही यू नो ढीला छोड़ देते तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर आ जाता है, एकदम लहंगे टाइप का। ये वाला जो है ना, उसमें फ्लेयर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे को हल्का सा ढीला है क्योंकि मैंने साइज एम में मंगाया था, उस टाइम शायद साइज एस नहीं होगा। दिस इज ₹500 फ्रॉम द ब्रांड हरपा। द मटेरियल इज जॉर्जेट, बट इट्स वेरी सॉफ्ट एंड गुड क्वालिटी जॉर्जेट, एंड यस जस्ट गो फॉर दिस वन, वेरी ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके सो नेक्स्ट इज दिस ड्रेस। मैंने इसको हॉल्टर नेक की वजह से मंगाया था, मुझे नेकलाइन बहुत ज्यादा पसंद है। ये आप देख सकते हो, दिस इज अ शॉर्ट ड्रेस, दिस विल कम अबव नी, स्टिल अ डिसेंट लेंथ। बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस तो मुझे पहनना पसंद नहीं है। इसमें इन्होंने बेल्ट दी हुई है, यहाँ पे हुक्स दिए हुए हैं तो लुक काफी अच्छा आएगा, और आप इसका बैक भी देख सकते हो। इसके बैक में ये कटआउट वाला लुक है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फ्लाइंग मशीन। इस ब्रांड की चीज़ें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और महंगी होती हैं, तो आई डोंट नो हाउ आई गॉट इट अंडर 650, बट यस लेट्स गो एंड ट्राई ऑन। गाइस ये ड्रेस मुझे कितने अच्छे से फिट हुई है। मैंने तो स्टार्टिंग में बेल्ट नहीं लगाई थी, बट देन मैंने नोटिस किया ओ बेल्ट इज मिसिंग, क्योंकि बेल्ट की जरूरत ही नहीं थी, फिटिंग उसके अलावा भी बहुत अच्छी थी। एंड आई जस्ट रियली रियली लव इसका पूरा लुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हॉल्टर नेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एलिमेंट ऐड करता है। दिस इज अ ड्रेस जो आप इवेंट्स या पार्टीज वगैरह में पहन के जा सकते हो।
आप इसकी लेंथ देख सकते हो कहाँ तक की आई है, इट्स जस्ट अबव द नीज. इसका पैटर्न एंड एवरीथिंग इज जस्ट वेरी वेरी गुड. मैंने मंगाया था साइज XS में, तभी ये मुझे इतने अच्छे से फिट हुई और मुझे ये पड़ी थी 640 रुपीज की, लेकिन अभी हो चुकी है सिर्फ रुपीज 600 की. सो यस गाइज, गो फॉर दिस वन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये ड्रेस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पसंद नहीं आएगी. इसकी प्रिंट ना काफ़ी ज़्यादा, आप क्या कह सकते हो, बहुत ज़्यादा भरी भरी लग रही, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे इतना पसंद नहीं आया. आप देख सकते हो ड्रेस की नेकलाइन कैसी है. यहाँ पे इन्होंने ये कटआउट वाला पैटर्न दिया हुआ है. दिस इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड हरपा. इसकी स्लीव्स हैं 3/4. काफ़ी ज़्यादा धागे वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे, नीट नहीं दिख रही है ये ड्रेस. दिस इज़ गन अभी लाइक अ मिडी लेंथ ड्रेस. अंदर इन्होंने अस्तर दिया हुआ है, वो तो काफ़ी सॉफ्ट है. सो या आई जस्ट नो आई एम नॉट गन लाइक इट, बट येस लेट्स गो एंड ट्राई ऑन. गाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस ड्रेस. जैसा कि मैंने कहा था, मुझे ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. इस ड्रेस के प्रति मेरी नापसंद पहले ही शो कर दी थी, लेकिन ना इसकी फिटिंग भी बहुत ख़राब है. वेस्ट की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा लूज है. इन्होंने यहाँ पे जिप दी हुई है, तो ये और फिटिंग अच्छी कर सकते थे, या फिर ये कोई बेल्ट वगैरह प्रोवाइड करते. गाइज मैंने इसको मंगाया था 610 रुपीज़ में, अभी ये शो हो रही है 530 की. 610 के हिसाब से तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है. ऐसे बहुत अच्छी ड्रेसेस मैंने आपको दिखा दी. अगर आपको लॉन्ग ड्रेसेस ही लेनी है तो हरपा की जो मैक्सी ड्रेस थी वो लेना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसके कंपैरेटिवली. ये अगर आप पास से देखोगे तो हल्की सी चीप लगेगी. सो कंपैरेटिवली आई डोंट लाइक इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So this is a t-shirt dress. Material is just like a thick t-shirt. It's gonna be very very comfortable. आप यहाँ की zip वाली style देख सकते हो, color combination देख सकते हो. I think it's gonna give very very casual vibes if paired with a sneaker and gonna look very good. So yes, let's go and try it out. Guys, आपने notice किया कि नहीं, अगर आपने इसके पहले वाला Amazon कुर्ता सेट हॉल देखा होगा, मैंने एंड में बोला था कि I realized कि मैंने सब कुछ ब्लू और पिंक के शेड्स में ही ऑर्डर किया है, और इस बार भी सेम हो गया है. जो व्हाइट था उसमें भी पिंक प्रिंट था. सो काफ़ी ज़्यादा ब्लू और पिंक शेड्स हो गए हैं. आई थिंक दीज आर माई गो टू कलर्स. सो गाइज ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. आप इसको कैजुअल बेसिस पे कैरी कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्नीकर्स के साथ पेयर अप किया है. आई थिंक इसकी फिटिंग मुझे अच्छी आई है, लेकिन मैं एक साइज अप भी कर सकती थी, क्योंकि ये मुझे हर किसी ने यहाँ से टाइट फील हो रही है. आप देख सकते हो इसकी लेंथ कहाँ तक की है. गाइज दिस इज फ्रॉम ड्रेसबेरी. मैंने मंगाया था साइज XS में, इसीलिए मुझे हल्की सी टाइट फील हो रही है. अगर मैं S में मंगाती तो सही रहता. इसको मैंने मंगाया था 380 रुपीज में, लेकिन अभी ये आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है. सो दैट्स व्हाई गाइज आई एम टेलिंग यू अगेन, जो भी आपको पसंद आ रहा है ना जल्दी ले लो, वरना चीजें महंगी हो जाएंगी, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी. इसको भी आप विशलिस्ट करके देख सकते हो, जब भी ये स्टॉक में वापस आता है तो आप इसको बाय कर सकते हो. मटेरियल इज प्योर कॉटन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन. दिस अगेन फ्रॉम द ब्रांड हरपा. असली इस पूरे हॉल में मुझे हरपा वाली ड्रेसेस थोड़ी कम पसंद आई, क्योंकि ना इनका मटेरियल सबका एक ही जैसा है, जॉर्जेट. इसकी अगेन हॉल्टर नेक लाइन रहेगी जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना ये मुझे बड़ा लग रहा है. फ्लाइंग मशीन वाली थी उसका थोड़ा सा छोटा था, तो वो अच्छे से फिट हुआ था. और इसमें पीछे नॉट वाला पैटर्न रहेगा. यहाँ पे इन्होंने बेल्ट भी दी हुई है. दिस इज लाइक अ मैक्सी ड्रेस, बट इसमें यहाँ पे फ्लैप वाला पैटर्न है, तो हल्का सा स्लिट आएगा. आई जस्ट होप कि वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, वरना आप एक सेफ्टी पिन तो लगा ही सकते हो. यस लेट्स गो एंड ट्राई इट ऑन. इसका मटेरियल जो ऑरेंज वाली हरपा ड्रेस थी उससे अच्छा है. गाइस मैंने इस ड्रेस के बारे में जो कुछ भी बुरा बोला था, आई टेक दैट बैक. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस. वेस्टर्न वेडिंग्स में दिस इज द काइंड ऑफ ड्रेस दैट वेडिंग गेस्ट और ब्राइड्स मेड वेयर. इसका पीछे से लुक देखो, इसका हॉल्टर नेक, एवरीथिंग इज सो सो प्रिटी. नेक वाली बो और वेस्ट वाली बो बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं. आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट इट. इट्स फिट, इट्स स्टाइल, इट्स कलर, एवरीथिंग. इन्होंने वेस्ट में इलास्टिक दे रखा था, तो फिटिंग काफी अच्छी आई है. और जो फ्लैप की वजह से इसका स्लिट आ रहा है ना, वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो काफी हाई तक ओपन हो सकता है, तो आप एक टाका या सेफ्टी पिन लगा सकते हो. जब मैं ड्रेस पहन रही थी तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने इसकी बुराई कर दी. इसको पहन के आप कहीं फोटोशूट्स वगैरह कराओ, बहुत अच्छे फोटोज आएंगे. दिस इज गिविंग लॉट ऑफ वेकेशन वाली वाइब्स, एज आई सेड वेस्टर्न वेडिंग वाली वाइब्स. सो गाइस दिस इज फ्रॉम द ब्रांड हरपा. मैंने ऑर्डर किया था साइज XS में फॉर द रुपीज 500. अभी ये आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है. द मटेरियल इज पॉलिएस्टर, बट आई वुड से कि आप इसको विशलिस्ट कर लेना. जस्ट गो फॉर दिस वन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. 9 ड्रेसेस थी. सारी ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आई, एक को छोड़ के मैंने आपको बता दिया. बट आई फील मैं इस हॉल से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, और मैं 3-4 चीजें रखने वाली हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी ड्रेसेस आई है गाइज. और मुझे लग रहा है मैं और ड्रेस हॉल करना चाहूंगी. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू कॉमेंट डाउन बिलो. अगर आप डिसेंट और
कंजर्वेटिव टाइप ड्रेसेस ढूंढ रहे हो तो आप मीशो वाला ड्रेस हॉल देख सकते हो। उसकी जो ड्रेसेस थी वो काफी ज्यादा मिडी और मैक्सी लेंथ वाली थी, हार्डली ही कोई छोटी ड्रेस होगी। बाकी आई एम वेरी हैप्पी विद फ्लिपकार्ट और इतने कम बजट में इतनी अच्छी ड्रेसेस आ गई, आई एम सो हैप्पी। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि मुझे इनमें से कौन सी ड्रेसेस रखनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहने वाली हूँ। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हॉल वीडियोस। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।